Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बीजिंग और इस टाइम रात के बज रहे हैं 8:30 और हमने जाना है बीजिंग एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने। तो सिर्फ फ़ोन ही करेंगे, थोड़ा सा फिर भी लेंगे। तो अभी ट्रेन की टिकट का टाइम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9:30, तो अभी हमने ट्रेन स्टेशन जाना है। तो मिलते हैं आपसे ट्रेन स्टेशन में, लेट्स गो। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन में मिलते हैं, लेट्स गो। ओके, हम ना स्कूटीज़ वहाँ पे हमने खड़ी कर ली है, तो हम लाइक रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुँच गए हैं और मेरे हाथ इस टाइम फ्रीज हो रहे हैं। पासपोर्ट भी मांग रहे थे तो पासपोर्ट भी निकाल लिया हमने। ट्रेन इस साइड पे आएगी, लेकिन ये ट्रेन स्टेशन है, ठीक है। और इस टाइम यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं चल रही क्योंकि ना अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है, पता नहीं ऊपर वाले हिस्से पे है, अंडरग्राउंड नहीं है ये। हम पहले अंडरग्राउंड थे लेकिन अब ऊपर है। That's suspicious. चुप। क्या? अच्छा। वो ब्लॉग कैसे डालेगा? मुझे ना बुरी बात गालियाँ नहीं देते। कर रहे पहली दफा। आराम से हम जाएंगे अंदर। ओ, ज़ोंबी फिल्म देखी? वो ज़ोंबी वाली एक फिल्म थी ना कोरियन, वो कौन सी थी? माशाल्लाह माशाल्लाह, एयरपोर्ट पहुंच गए हम, प्लेन में बैठने लगे हैं फिर से। The Bluetooth device is connected successfully. ओके, तो अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी ट्रेन निकलनी है 9:30, लाइक 9:28 पे निकलनी है। और इस टाइम 9:28 एग्जैक्ट पे मूव, और अभी इस टाइम रात हो रही है। ये ऐसे लग रहा है प्लेन है, जिस प्लेन में हम बैठे थे ना वो प्लेन इस तरह का था, ठीक है। ये उससे बेटर है, ये उससे बेटर। अभी अभी ना हम चलते हैं, अभी अभी देखते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है। फास्ट ट्रेन है तो अभी 9:28 पे स्टार्ट होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में बीजिंग पहुंचने वाले हैं, एक घंटा हो गया हमें पता भी नहीं लगा। तो लाइक थोड़ा सा ही टाइम रह गया बीजिंग पहुंच के, फिर आपको बीजिंग का रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, ठीक है। ये बीजिंग स्टेशन पहुंचने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा था, ये देखे थे, ट्रेन इज अराइविंग एट बीजिंग स्टेशन इन बीजिंग बीजिंग। वो दूसरे वाला
दूसरे वाला जो है ना मोबाइल यूज कर रहा है, ही इज द थर्ड मैन एंड आई एम द सेकंड फोर्थ आपको पता ये बहुत अच्छी बातें करता है ये हमारा हमारे ग्रुप का सेकंड हैकर है वो चलो आने वाली है चलो चलो इधर ना वैसे इतना पता नहीं लग रहा कि सर्दी लग रही है कि नहीं, लेकिन अभी बाहर निकलेंगे स्टेशन से अगर सर्दी लग रही होगी तो मैं ये पहन लूँगा जैकेट, अगर नहीं लग रही होगी तो नहीं पहनूंगा। बीजिंग स्टेशन निकलने के बाद हम लोगों ने साइकिलें ली थी, साइकिलें लेकर हम लोग फिर घूमने के लिए चले गए, यानी कि ऐसे साइकिलों पे आवारागर्दी कर रहे थे। ओके अभी ना हम लोग ना साइकिलिंग कर करके ना तकरीबन 2 घंटे हो गया साइकिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ना अब टाइम स्पेंड तो करना है क्योंकि सुबह हमने जाना है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने, तो रात तो इस तरीके से निकालनी है। तो ये सामने देख रहे हैं ये ना क्या है इसका नाम, Tiananmen Square है। अब ये पता नहीं क्या है इसकी हिस्ट्री, द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन चाइना। हाँ अब ये ना अब ये भी इस टाइम ये बंद हुआ हुआ, इसकी लाइट्स ऑन होगी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। Tiananmen Square इसके पीछे है, वो देख रहे हो। हाँ ना वो सारा का सारा जो है ना स्ट्रक्चर है, ये इतना भरा सारा यहाँ पे बादशाह बीजिंग में है, बादशाहों का महल होता है। तो जब ये ऑन मेरी आंखें देख सकते हैं, मेरी आंखों से ना पानी निकल रहा है, दरअसल बारिश हो रही है ना, ठंडी हवा लग लग के पानी निकल रहा है, और वो पीछे शहीर है एंड जैन है। तो अभी हम लोग बीजिंग में यही कर रहे हैं, अब बस दुआ करें कि टाइम गुजर जाए जल्दी से और बैटरियां भी फ़ोन की लो ना हो जल्दी से। अभी हम लोग बस इसी तरीके से ना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मेरे कपड़े गीले हो गए, शुक्र है बारिश रुक गई है, शुक्र है यार बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है। तो साइकिलों पे सारी रात घूम घूम के हम लोग थक गए, तो हमें ना 4:30 हम ना इस कैफ़े पहुँचे, तो ये हमें पता नहीं था ये कैफ़े नहीं है, ये होटल है, उसकी लॉबी है। तो हमने उनसे इजाज़त ली और यहाँ पे बैठ के हम 4:00 सो गए थे, और अभी सुबह 8:30 तो 8:30 अब हमने जो सा है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए निकलना है। मुंह हाथ मैंने धो लिया था और बाकी भी जो सा है फ्रेश होने गए थे, क्योंकि साथ ही पब्लिक टॉयलेट था तो वहां से हम लोग फ्रेश होने गए थे। ओके ये ना हम ना सबवे ले रहे हैं हॉस्पिटल तक जाने के लिए।去思念，爱情有点甜。
Oh, weather is nice. Okay, तो ये हॉस्पिटल है, ठीक है। इधर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए आए हैं। ओके, तो अभी हमने मेडिकल करवा लिया, वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया और वो अब पोस्ट ऑफिस से ना वो हमारे कोऑर्डिनेटर नहीं है तो उसके पास चले जाएगा खुद ब खुद। ओके, तो ये बस है जिसमें हम लोग ना रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। कुछ और बोला है हमें, कुछ और बोला है। अब एक ही और कटा है, ओके अब कटा है। ओके फ्रेंड्स, हम रेलवे स्टेशन टेलीपोर्ट हो चुके हैं तो अब हमने जाके टिकट खरीदनी है। तो अभी टिकट्स वगैरह मिल गई हैं, ठीक है, और हमारी टिकट है 8:45 की और अभी इस टाइम यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:30। तो अब 12:30 से 8:45 के बीच में कहीं खाने के लिए जाएंगे, देखते हैं कि कहाँ खाने के लिए जाएंगे, वहाँ पे खाना मिल जाए और फिर वहाँ से खाना खाएंगे और थोड़ा सा घूम फिर लेंगे और उसके बाद जो सा है हम फिर 8:45 नहीं 8 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ट्रेन स्टेशन, ताकि लेट ना होना ट्रेन से। तो बस यही है, तो अभी देखते हैं कहाँ पे खाने के लिए जाते हैं। ओके, अभी ना हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल के ना ये जमजम रेस्टोरेंट है, पाकिस्तान एंड इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये आए हैं, यहाँ पर आए हैं खाना खाने, देखते हैं यहाँ पे प्राइजेस क्या है इसकी, फिर ही खाएँगे। तो ये चीज़ें मैंने लिया है बटर चिकन, ठीक है, ये थोड़े से तिक्के टाइप चीज़ है, ये बिरयानी है, सम सैलेड, पकोड़े एंड समोसे, और ये चटनी है, ठीक है। टेस्ट टेस्ट देखते हैं कैसे क्या है। तो ये चीज़ें वगैरह मैंने ली थी खाने के लिए जो कि मैंने अपनी प्लेट से जाई थी। तो सबसे पहले मैंने समोसा ट्राई किया, फिर उसके बाद बिरयानी ट्राई की, बिरयानी ज़्यादा मज़े की थी, ठीक है, और मैंने टिक्के वगैरह लिए थे और पकोड़े वगैरह थे, पकोड़े मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे, समोसा ज़्यादा मज़े का था। तो ये था जो सा था मैंने ये जमजम रेस्टोरेंट के बफे में खाया था, और रेटिंग मैं कहूँगा खाने की कि 8/10 थी। अच्छा, तो बिरयानी वगैरह खा के मैंने पास्ता लिया, ये कस्टर्ड और खीर वगैरह प्लेट में डाली, और हमने सूप ले लिया था थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले ये पास्ता खाया, तो पास्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे,
जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और खीर ज़्यादा मज़े की थी और कस्टर्ड भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फिर बाद में पता लगा कि वहाँ पे आइसक्रीम भी थी, और आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट होती है, क्योंकि शादी पे मैं जहाँ पे भी जाऊँ आइसक्रीम हो और मैं ना खाऊँ ये हो ही नहीं सकता। तो ये प्याली ली थी, प्याली में मैंने आइसक्रीम डाली थी और फिर ऊपर कॉर्न वगैरह डाली थी, और ये कैमरा नीचे गिर गया था, सॉरी अबाउट दैट। तो हमने आइसक्रीम खाई, वो से उधर आइसक्रीम आइसक्रीम खाई जा रहा है। तो ओके, आपसे ना आइसक्रीम खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। और मेमोरी बोर्ड पे MZH Vlogs, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो हमने खाना वगैरह खा लिया है। अब खाना वगैरह खा के हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रेलवे स्टेशन में मुलाकात होती है। रेलवे ओके, अब ना हम लोग जंगजियाकोव पहुंच गए हैं, ठीक है। तो मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अभी हमने सीधा अपार्टमेंट जाके रेस्ट करनी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय जियान।